प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर, उप विषय है हमारा पाठ 6 उपसर्ग, पाठ का संक्षिप्त सार व गृह कार्य हल, व्याख्यान 2। प्यारे बच्चों, कल हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। व्याख्यान 1 में मैंने आपको उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद हैं, उपसर्ग की कितनी गतिविधियां हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम अपना व्याख्यान 2 में पाठ के संक्षिप्त सार के बारे में वे उसके गृह कार्य हल की जांच को जांचेंगे। हमारा व्याख्यान 2 है, चलो पढ़ते हैं अपना व्याख्यान 2। बेटा, जैसा कि पाठ का संक्षिप्त सार मैंने पहले ही आपको बताया है कि संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। क्या अर्थ होता है? छोटा। अब कल हमने विस्तृत रूप से अपने पाठ का अध्ययन किया था, लेकिन आज हम मुख्य संकेत बिंदुओं की सहायता से ही अपने पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं, पाठ के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से जान लेते हैं। जैसा कि भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नई नई संकल्पनाओं विचारों के लिए भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं। भारत सरकार की एक संस्था है तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था का काम ही है अलग अलग विषयों के लिए नए नए शब्दों की रचना करना। बच्चों, हमारी भाषा में अनेक शब्द हैं, यानी शब्दों की कोई सीमा नहीं है। भाषा में अनेक शब्द आए हुए हैं, अनेक शब्दों की संख्या है, और वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। फिर भी नए नए विचारों को जानने के लिए, नई नई कल्पनाओं के लिए नए नए शब्द हमेशा बनते ही रहते हैं, और जो ये शब्द बनाने की कार्य है वह भारत सरकार की एक संस्था है। उस संस्था के द्वारा शब्द बनाने का कार्य किया जाता है। उस संस्था का क्या नाम है? तकनीकी शब्दावली। क्या नाम है? तकनीकी शब्दावली। इस संस्था के द्वारा अलग अलग यानी सभी विषयों से शब्द बनाने का कार्य किया जाता है। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की यह प्रक्रिया ही शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपना पाठ 5 शब्द व उसके भेदों के बारे में पढ़ा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, इनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र तरीके से किया जाता है, तो भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया ही शब्द निर्माण या शब्द रचना कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सुंदर शब्द के प्रारंभ में अ जोड़कर हम असुंदर शब्द और अंत में ता जोड़कर सुंदरता बना सकते हैं। बच्चों, जैसे कि आपने कोई भी मूल शब्द लिया, उस मूल शब्द के प्रारंभ में जब किसी उपसर्ग को जोड़ेंगे तो उस शब्द का नया शब्द बन जाएगा, और अंत में जब हम किसी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो भी उस शब्द का नया शब्द बन जाएगा। तो सुंदर शब्द के आगे अ लगाया यानी उपसर्ग लगाया तो असुंदर बन गया, और पीछे ता लगाया सुंदर के तो सुंदर ता बन गया। दोनों ही हमारे पास नए शब्द आ गए। नए शब्द बनाने के लिए जो इकाइयां शब्द के शुरू में जोड़ी जाती हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, तथा अंत में जुड़ने वाली इकाइयों को प्रत्यय कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपना व्याख्यान पढ़ा, उसमें उपसर्ग के बारे में हमने अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। मैंने आपको बताया कि शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का जो निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर जो अंत में जुड़ने वाली इकाइयां हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय की जानकारी हम अपने आगे आने वाले व्याख्यान में प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कभी कभी दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। अब क्या है कि
किस प्रकार से शब्द रचना की जाती है? शब्द रचना तीन प्रकार से की जाती है, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा व समास के द्वारा। अब यहाँ पर बताया कि दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करना। अब जैसे स्नान तथा गृह दो स्वतंत्र शब्द हैं। अब स्नान तथा गृह हमारे दो स्वतंत्र शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को मिलाकर या दोनों शब्दों का समास कर हम एक नए शब्द का, यानी हमारा एक नया शब्द बनता है। क्या बनता है? स्नान और गृह शब्द को मिलाकर हमारा स्नान गृह शब्द बनता है। क्या बताया है कि जैसे स्नान तथा गृह हमारे दो स्वतंत्र शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों शब्दों का समास हम करेंगे, तो एक नए शब्द यानी स्नान गृह की उत्पत्ति होती है। शब्द रचना की प्रक्रिया तीन प्रकार से होती है। अब शब्द रचना की जो प्रक्रिया है वो तीन तरह से होती है। सबसे पहले उपसर्गों के द्वारा। उपसर्ग क्योंकि पहले लगते हैं इसलिए शब्द से पहले उपसर्ग आएगा। उपसर्ग जमा शब्द। शब्द है हमारा, मूल शब्द है पुत्र। अब पुत्र के आगे हमने सु लगाया, सुपुत्र, कु लगाया, कुपुत्र। सु और कु दोनों ही हमारे क्या है? उपसर्ग है। फिर है हमारा प्रत्ययों के द्वारा। अब प्रत्ययों के द्वारा शब्द जमा प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं इसलिए शब्द को हम आगे लिखेंगे और प्रत्यय को बाद में लिखेंगे। अब मित्र क्या है? हमारा मूल शब्द है। और ता क्या है? हमारा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जुड़ने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ, यहाँ पर क्या आ गया? मित्रा। फिर है हमारा समास के द्वारा। अब समास के द्वारा शब्द और दूसरा शब्द। अब राज भी हमारा शब्द है और माता भी हमारा शब्द है, तो राज माता एक नए शब्द का फिर से निर्माण हुआ। तो शब्द रचना के तीन प्रकार हैं, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा व समास के द्वारा। फिर है उपसर्ग शब्दों के लघुतम अर्थवान अंश हैं, जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। क्या है? उपसर्ग शब्दों की तरह ये भी विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान भी होते हैं, पर इनका प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अब क्या है बेटा उपसर्ग? लघुतम अर्थवान अंश होते हैं। किनके? शब्दों के, जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों की ना करते हैं। शब्दों की तरह ये भी विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान भी होते हैं, पर इनका प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के चार भेद होते हैं। कौन से हैं चार भेद? तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग, तत्सम संस्कृत जैसे का जैसा, तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग, आगत आए हुए या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, और उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। बच्चों जैसा कि हमने बताया कि उपसर्ग के चार भेद होते हैं। अब तत्सम उपसर्ग होते हैं, तद्भव उपसर्ग होते हैं और आगत उपसर्ग होते हैं। उसके बाद उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश होते हैं। अब तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं बेटा? एक बार फिर से हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तत्सम का अर्थ होता है जैसे का जैसा। अब जैसे अति, अति शब्द है, अति शब्द का अर्थ होता है अधिक। क्या अर्थ होता है? अधिक। अब अति उपसर्ग से बनने वाले कोई भी दो शब्द बनाओ जिनमें अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, तो अतिरिक्त और अत्यधिक, अतिरिक्त और अत्यधिक और अति लगकर आप शब्द बना सकते हैं। फिर है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे,
या समान। आपने सुना होगा जैसे अनुचर, अनुचर का अर्थ क्या होता है? पीछे चलने वाला, सेवक। अब यहाँ पर अनुकूल और अनुवाद, अनु से हमने नए शब्द बनाए, अनुकूल और अनुवाद। फिर है अभी, अभी का अर्थ होता है सामने, और अभी का अर्थ है सामने और। फिर है अभिप्राय, अभियोग, अभिप्राय, अभियोग। उप, उप का अर्थ होता है निकट या छोटा। अब यहाँ पर उप, उप यानी हमने सबसे पहले इसका अर्थ पता है, क्योंकि सबसे पहले जब हमने पढ़ा था उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है, तो उप, उप का अर्थ है निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो यहाँ पर उप शब्द का अर्थ हुआ निकट में। उपवन, उपकार, उपदेश, और अन्य शब्द भी हैं जो आप उपसर्ग लगा कर बना सकते हैं। फिर है तद्भव उपसर्ग। अब तद्भव हिंदी के उपसर्ग यानी बदले हुए। अब अ और अन, अ और अन, इनका अर्थ होता है रहित। अब अनपढ़, अनजान। अब अन क्या लग गया हमारा उपसर्ग, और पढ़ यानी मूल शब्द। अनपढ़, अनजान, जान मूल शब्द और अन हमारा उपसर्ग। पर दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, पर दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, परदादा, परपोता, परदादा, परपोता। फिर है अध, अध का अर्थ होता है आधा, अध का अर्थ होता है आधा। अध जला, अध मरा, अध जला, अध मरा, अध पका, अध खिला, अध कचरा, यानी ये सभी शब्द हमारे अध उपसर्ग लगकर बनाए जाते हैं। फिर है भर, भर का अर्थ होता है भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरा हुआ, भरपेट, भरपूर। फिर है हमारे आगत या विदेशी उपसर्ग। अब यहाँ पर आगत शब्द का अर्थ आपको भली भांति पता लग गया होगा। आगत का अर्थ होता है आए हुए या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। जैसे शब्द होते हैं विदेशी भाषाओं के, उसी प्रकार उपसर्ग भी होते हैं। जैसे कम का अर्थ है थोड़ा या हीन, थोड़ा या हीन। कमजोर, कम अकल, कमजोर, कम अकल। फिर है बा का अर्थ है साथ, बा अदब, बा इज्जत, बा इज्जत यानी इज्जत के साथ। बा का अर्थ क्या है? साथ। फिर है ला, ला का अर्थ है बिना, ला का अर्थ क्या है? बिना। लाइलाज, लापरवाह, लाइलाज, लापरवाह। फिर है हर, हर का अर्थ है प्रत्येक, हर का क्या अर्थ है? प्रत्येक। हर दिल, हर दम, ये सब क्या हैं? हर उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द हैं, हर दिल, हर दम। फिर है हमारा अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल आपको व्याख्यान पढ़ाया, तब मैंने आपको गृह कार्य के लिए प्रश्नोत्तर दिए थे। आज मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर की जांच करवाऊंगी। आइए जानते हैं अपने गृह कार्य हल को। मेरा पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ, प्रारंभ यानी आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे धर्म, धर्म शब्द है और हमने अ उपसर्ग लगाया, अ जमा धर्म। धर्म हमारा मूल शब्द और अ हमारा उपसर्ग। नए शब्द का निर्माण हुआ अधर्म।
फिर है सुपुत्र। अब यहाँ पर सु हमारा उपसर्ग और पुत्र हमारा मूल शब्द, इसलिए नए शब्द का निर्माण हुआ सुपुत्र, नया शब्द हमारा बना सुपुत्र। फिर है उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है। प्रश्न दो है, उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है। उपसर्ग यानी शब्द क्या है? ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। अब शब्द के बारे में आपको भली भांति पता है, यानी इनका प्रयोग स्वतंत्र तरीके से किया जाता है वाक्य में, और निश्चित अर्थ भी इनका होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश या खंड हैं। इनका प्रयोग हमेशा मूल शब्द के प्रारंभ में लगाकर नया शब्द बनाने के लिए ही किया जाता है। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश या खंड हैं। इनका प्रयोग हमेशा मूल शब्द के प्रारंभ में लगाकर नया शब्द बनाने के लिए ही किया जाता है। प्रश्न तीन है, हिंदी में उपसर्गों के प्रमुख भेदों के नाम लिखिए। अब हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है और इनके भेद। अब भेद क्या होते हैं? हिंदी में उपसर्गों के चार भेद होते हैं। चार भेद, पहला तत्सम यानी संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तद्भव हिंदी भाषा के उपसर्ग, आगत अरबी भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी तुर्की भाषाओं के उपसर्ग, और चार उपसर्गों की तरह प्रयोग आने वाले संस्कृत के शब्दांश या शब्द। फिर है उपसर्ग की तीन विशेषताएं लिखिए। प्रश्न चार था हमारा कि उपसर्ग की तीन विशेषताएं लिखिए। अब कौन सी तीन विशेषताएं होती हैं? शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, दो शब्द के अर्थ को उलट देना। अब जैसे आपने धर्म शब्द लिखा, सत्य शब्द लिखा, उसके आगे जब आपने अ उपसर्ग का प्रयोग किया तो क्या हो गया? असत्य अधर्म, यानी जो शब्द का अर्थ था वह उलट गया। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। तीसरा क्या है? शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसके आसपास ही अर्थ हमें मिल जाएगा। प्रश्न चार है, नीचे दिए गए सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत लिखिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि हमने अपने पाठ का अध्ययन किया उपसर्ग का। उपसर्ग का अध्ययन करने के पश्चात अब यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित ही कुछ कथन पूछे गए हैं। उन कथनों के सामने सही व गलत लिखना है, और ये सब हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने पाठ का पूरी तरीके से अध्ययन किया है। पहला है हमारा, शब्द के अंत में लगने वाले शब्द शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब बेटा, अंत और आरंभ, आरंभ होता है शुरुआत में और अंत होता है अंत में, आखिर में। अब यहाँ पर शब्द के अंत में हमेशा प्रत्यय का प्रयोग होता है और शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगते हैं, तो यहाँ पर यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने पूछा है शब्द के अंत में लगने वाले शब्द शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। बिल्कुल गलत कथन है। दूसरा कथन है, उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जा सकता है। ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र तरीके से किया जाता है, उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर है तीसरा कथन, उपसर्ग भाषा की बद इकाई है।
बद यानी बंधी हुई इकाई है। बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि उपसर्ग भाषा की बद इकाई है। फिर है संस्कृत से हिंदी में आए हुए उपसर्ग आगत उपसर्ग कहे जाते हैं। अब जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं बताओ? ये कथन भी आपका गलत है, क्योंकि आगत उपसर्ग जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं के जो हैं, उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अगला है, तद्भव शब्दों को ही हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तद्भव, जो संस्कृत का बदला हुआ रूप है, उन्हें तद्भव कहा जाता है और वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उन्हें हिंदी के उपसर्ग कहा जाता है। इसलिए यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छाट कर अलग कीजिए। अब यहाँ पर बेटा शब्द दिए गए हैं, एक तरफ मैंने शब्द लिखे हैं और एक तरफ मैंने उपसर्ग लिख दिए हैं। अब यहाँ पर शब्द हैं और शब्द से उपसर्ग आपको अलग करके लिखना है। पहला शब्द है उत्थान। अब यहाँ पर त, त क्या है? हमारा व्यंजन है और त हमारा अधूरा है, तो वहां पर उपसर्ग हमारा क्या हो गया? उत। क्या हो गया? उत। और हमारा मूल शब्द क्या हो गया? थान। फिर है प्रगति। गति हमारा मूल शब्द है और प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्र को निकाल दिया यानी उपसर्ग में लगा दिया और गति हमारा मूल शब्द बच गया। फिर है अनादर। अन उपसर्ग आदर मूल शब्द, अन उपसर्ग आदर मूल शब्द। अवगुण। अव उपसर्ग गुण नया शब्द यानी मूल शब्द। फिर है प्रधान। प्र उपसर्ग धान मूल शब्द, प्र उपसर्ग धान मूल शब्द। फिर है भरपूर। भर उपसर्ग पूर मूल शब्द। बदतमीज। बद उपसर्ग तमीज मूल शब्द। अनपढ़। अन उपसर्ग पढ़ मूल शब्द। संगीत। सम उपसर्ग गीत मूल शब्द। निकम्मा। नि उपसर्ग कम्मा मूल शब्द। अभिनय। अभि उपसर्ग न मूल शब्द। दुबला। दु उपसर्ग बला मूल शब्द। फिर है बेईमान। बे उपसर्ग ईमान मूल शब्द। कमजोर। कम उपसर्ग जोर मूल शब्द। हमराही। हम उपसर्ग राही मूल शब्द। दुस्साहस। दुहु या दुष दोनों ही हो सकते हैं। फिर है चिरकाल। चिर उपसर्ग काल मूल शब्द। निश्चय। निश। फिर है उपवास। उपसर्ग और वास मूल शब्द। अभिलाषा। अभि उपसर्ग लाषा मूल शब्द। प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों से उपयुक्त उपसर्ग छाटकर दिए गए शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, अब हमें उनसे उनकी यानी उपसर्गों की सहायता से नए शब्दों का निर्माण करना है। अब सार हमारा मूल शब्द है, इसके आगे प्र लगाया प्रसार, अभि लगाया अभिसार, यानी हमें नया शब्द बनाना है। हम उपसर्ग का प्रयोग करके नया शब्द बनाएंगे। दादा परदादा, दादा परदादा, पूत कपूत सपूत दोनों लगा सकते हैं। जन आजन, जन आजन, लायक ना लायक, लायक ना लायक, भार आभार। गैर गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। अंतर अंतरात्मा। वारिस लावारिस, मरा अधमरा। डर निडर, सूरत बदसूरत, सूरत बदसूरत।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। अब इस प्रश्न में उपसर्ग दिए गए हैं और उनकी सहायता से हमें दो दो शब्द बनाने हैं। पहला उपसर्ग है प्रति, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, चिर, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरकाल, चिरंजीवी, सु, सुमन, सुलभ, सुमन, सुलभ, वि, विनाश, विजय, विनाश, विजय, अन, अनदेखा, अनजान, अनदेखा, अनजान, अनु, अनुदेश, अनुकरण, अनुदेश, अनुकरण, बे, बेईमान, बेकार, बेईमान, बेकार, कु, कुपुत्र, कुरीति, कुपुत्र, कुरीति, ला, लापता, लाइलाज, लापता, लाइलाज, अति, अत्यंत, अत्याचार, अत्यंत, अत्याचार। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना व्याख्यान दो पढ़ा। व्याख्यान दो में मैंने पाठ का संक्षिप्त सार व अभ्यास कार्य को लिया। अब आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में पहले चार प्रश्न, 1, 2, 3, तीन प्रश्न आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं सुंदर लिखाई में। और जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो इस अभ्यास को अपनी पुस्तक में भर लें, और जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है वह इस अभ्यास कार्य को अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिख लें। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।